मध्य प्रदेश के रायसेन में बाघ की दहशत से लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। सिंगोरी अभयारण्य से भटककर एक बाघ बाड़ी बरेली क्षेत्र के कुछ गांवों में लगातार देखा जा रहा है। बरेली के दिमाड़ा के आसपास बीते 5 दिनों से टाइगर के मूवमेंट से दहशत का माहौल बना हुआ है। हालात ये हैं कि खेतों में खड़ी फसल काटने के लिए भी लोग जाने से डर रहे हैं। वहीं इस बीच बाघ का सड़क किनारे बनी बाउंड्री पर चहलकदमी करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा बाघ कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ पर वैसे तो कई टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन बीते कुछ समय से ये बाघ अभयारण्य से भटककर रिहायशी इलाकों में चहलकदमी करते नजर आते हैं। इन दो तस्वीरों में शान से चहलकदमी करते ये बाघ किसी अभयारण्य में नहीं बल्कि सड़क पर है। पहली तस्वीर रायसेन की है। यहाँ बीते 5 दिनों से टाइगर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। तो वहीं दूसरी तस्वीर मंडला के भुआ बिछिया की है, जहाँ वन विभाग बाघ की तलाश में जुटा हुआ है। 4 से 5 दिन हो गए उसका आतंक रेगुलर चल रहा है। हमारे गाँव और अकोला के बीच में नाले के पास में हर दिन किसी ना किसी को देखने को मिल रहा है, और कुछ प्रत्यक्षदर्शी तो ऐसे भी जिनके सामने उसने बकरी का, गाय का, एक जंगली सुअर भी था छोटा मोटा इधर, उसका शिकार भी किया है, जिसके अवशेष अभी स्पॉट पे यदि आप चलेंगे तो देखने को मिल जाएंगे, और वो बैक टू बैक डेली मिल रहा है। और उस ओर लेबर जाने को तैयार नहीं है, तो किसानों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं क्षेत्र के विधायक और सरकार में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की और वन विभाग को बाघ के रेस्क्यू के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब वन विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है। इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ टाइगर का मूवमेंट है, इसको हम टीम के साथ आए और हमने देखा, हमको साक्ष्य मिले, मैंने खुद आँखों से टाइगर को देखा, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी भी आए। 31 तारीख को SDO साहब, DFO साहब आए। बीच में यह टाइगर का मूवमेंट जंगल की ओर हो गया था। आज ही ये पता चला कि टाइगर देखा किसी को, तो आज हमने इन्फॉर्म किया है वरिष्ठ अधिकारियों को। वरिष्ठ अधिकारी पूरी टीम के साथ यहाँ आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, कुछ देर बाद आ जाएंगे। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ रायसेन से ही नहीं आई है, बल्कि ऐसी ही कुछ तस्वीर मंडला से भी देखने को मिली है, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व से सटे इलाके भुआ बिछिया में बाघ देखा गया, जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद से ही मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है और बाघ की तलाश कर रही है। अब देखना है कि दोनों ही जिलों में वन विभाग की टीम कब तक बाघ का रेस्क्यू कर लोगों को इस परेशानी से निजात दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हमने आपको बताया कि अकेले रायसेन ही नहीं बल्कि मंडला में भी बाघ के मूवमेंट से लोग दहशत में हैं। विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों से बातचीत की। लोग दहशत में हैं, वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। देखिए मंडला से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। टाइगर की आमद से फैल गई दहशत, रिहायशी इलाके में बाघ की दस्तक, सर्च अभियान सुबह से रात तक। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क के आसपास के गांवों में लोग दहशत में हैं। सरही जोन के समीप लगातार 2 दिनों से बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है, जिसके चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। हर तरफ खौफ है, क्योंकि ये बाघ अब इलाके के मवेशियों का शिकार करने लगे हैं, लोगों के घरों तक भी पहुंचने लगे हैं। कान्हा नेशनल पार्क के सटे इलाके में बाघ की आमद देखने को मिल रही है। जो कान्हा नेशनल पार्क से सटे ग्राम है, वहां पर लगातार मवेशियों पर हमला बाघ द्वारा किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी दहशत में है। गाय उसको अपने सीमों में यहाँ फंसा लिए शेर को, और उसको फेंक दिए उधर, तो 15 मिनट तक वहाँ वो उठा ही नहीं। वहाँ से मसाल जलाए और गाय जहाँ थी वहाँ तक मसाल को आगे पहुँचा दिया। मैं दूर से शेर ने वहाँ से 2 कदम अपना पीछे लिया, पीछे लेकर के उधर राउंड शेप में लिया और दूसरे साइड जहाँ पे मवेशी बंधी थी उसके बैक साइड में जाके शांत बैठ गया। हालात ये हैं कि खेती का सीजन होने के बाद भी किसान फसल की कटाई करने से कतरा रहे हैं। वजह भी है,
उन्हें पता नहीं कि बाघ कहाँ छिपा हो, क्योंकि ऐसे ही एक किसान का खेत में ही बाघ से सामना हो चुका है। मैं यहाँ पे जो बकरी की जो पछौनी पड़ी है, इसे मैं सुबह देखा। इसके बाद मवेशी लेके घर चले गए, नहाए धोए खाना खा के फिर हम आए बोझा बांधने। फिर हम पानी पी और अपने बोझा बांधने में लग गए। बोझा में इसी तरफ सर करके बांध रहा था तो मैं देख लिया। फिर दो बोझा बांधा, तीसरे बोझा बांध रहा था, बर्रम निकल के बिल्कुल सामने पैरों से मड़ा के और हमारी ओर देख रहा था। गांव में रहने वाले लोग सहमे हैं, डरे हुए हैं और साथ ही मजबूर भी हैं। उनकी वन विभाग से दरखास्त है कि जल्द ही बाघ का रेस्क्यू किया जाए, ताकि उनकी जिंदगी भी सुरक्षित हो सके और रोजमर्रा की जिंदगी पहले की तरह ही चलने लग जाए। ग्राम वासियों में बहुत ज्यादा डरावनी की स्थिति है। हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट वाले इस समस्या से जल्दी निराकरण करवाएं। इधर सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम आसपास बाघ की तलाश करने में जुटी हुई है। दिन रात सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और ड्रोन के जरिए भी बाघ की तलाश की जा रही है। बाघ की तलाश करने के लिए यहाँ पर चार टीमें बनाई गई हैं। तो वो हमने चार टीम बनाई है, एक कान्हा की टीम होगी, तीन हमारी टीम होगी। तो हम अभी जो हमें जानकारी है वो डोंगरा नाम का गांव है, जो आधा कान्हा में आता है आधा हमारे पे आता है, उस तरफ उसके मूवमेंट की आशंका है। तो अभी हमने जो टीम बनाई है वो अभी हम उसको हम ऑन फुट हम ट्रेस करेंगे, ड्रोन के उपयोग करके भी हम उसको ट्रेस करेंगे कि हमें अगर मिल जाए, जैसे हमें मिलता है तो जो कान्हा की रेस्क्यू टीम है उनके उनकी मदद से हम फिर उस संबंधित टाइगर को हम रेस्क्यू करेंगे और फिर जहां भी हमें भेजने के लिए निर्देशित किया जाएगा हम उसे हम भेजेंगे। चार टीम बाघ की तलाश करने में जुटी है, लेकिन फिलहाल बाघ का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। बाघ की दहशत इलाके में बरकरार है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि वन विभाग की टीम जल्द ही कामयाब हो जाएगी, क्योंकि बाघ की वजह से उनकी जिंदगियां खतरे में है। खेती और बाकी काम धंधे चौपट हो रहे हैं, साथ ही मवेशियों और पालतू जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि वन विभाग की टीम कब तक गाँव वालों को बाघ के आतंक से निजात दिलाने में कामयाब हो पाती है। विस्तार न्यूज के लिए प्रफुल्ल तिवारी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, जब किसान दीपावली के बाद खेती किसानी के काम में जी जान से जुटता है, उस वक्त खौफ में उसे अपनी जान से ज़्यादा चिंता खेत में खड़ी फसल की है, क्योंकि अगर समय पर कटाई नहीं हुई तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा वो वन विभाग की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, कब उसे बाघ की दहशत से निजात मिले और वो पहले की तरह अपने खेतों में जाकर काम कर सके।